एमपी में कृषि विकास अधिकारी की परीक्षा में धांधली के आरोपों के बाद अब छात्रों का गुस्सा चरम पर है। इंदौर में तो कृषि विभाग के छात्र सड़क पर उतर गए हैं। वो परीक्षा को रद्द करने और धांधली के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। छात्र इस परीक्षा को व्यापम पार्ट टू बता रहे हैं और राज्य की शिवराज सरकार पर कई आरोप लगा रहे हैं। आंदोलन है व्यापम घोटाले टू को लेकर, हम जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। आज हमको 29 दिन हो चुके लगातार आंदोलन करते करते, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ झूठे आश्वासन दिए गए हैं, उसी को लेकर आज हम लोग जेल भरो आंदोलन करने जा रहे हैं। और ये इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर तीनों जगह हो रहा है, और उसी को लेकर हमारा सारे छात्र आक्रोशित है। 21,600 बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। इनकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं। हमने बोला था जेल भरो आंदोलन, तो ये हमको जो इनकी प्रोसीजर है वो करना है, और हम अपनी तरफ से गिरफ्तारी देना है जेल भरो के लिए। छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर एग्रीकल्चर कॉलेज से कलेक्टर ऑफिस तक पैदल मार्च की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने ऐसा करने नहीं दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे 50 से अधिक छात्रों को हिरासत में ले लिया। अधिकारियों की माने तो कृषि छात्र बिना परमिशन के पैदल मार्च कर रहे थे, जिसकी वजह से पुलिस को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। अभी करीब 50 से 60 लड़के हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो अपनी मांगों को लेकर रैली निकालना चाह रहे थे और कलेक्ट्रेट जाना चाह रहे थे। इनके पास परमिशन नहीं थी, इसलिए इनको गिरफ्तार किया जाकर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई धाराओं के अंतर्गत इनको सीआई जेल भेजा जा रहा है। सर, क्या मांगे थी इन लोगों की और क्यों मिलना चाह रहे थे लोग? नहीं, इनकी जो मांगे हैं व्यापम को लेकर कोई मांगे थी, इस संबंध में माननीय मंत्री जी यहाँ आए थे, उन्होंने ज्ञापन दिया था, जाँच गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है। लेकिन इनका ऐसा कहना था कि समय ज़्यादा हो गया और हमारी जांच का नतीजा नहीं आया, तो प्रोसेस चल रहा है। इस संबंध में इनको बताया जाएगा, आप जाके वहाँ बात करिए। इनको वहाँ माननीय मंत्री जी आए तो उन्होंने बुलाया भी था कि आप भोपाल आ जाइए, कि बात तो बताइए, अपना पक्ष रखिए। लेकिन ये वहाँ नहीं जाते हुए इन्होंने यहाँ किया और बिना परमिशन रैली निकाल रहे थे, स्पेशल गिरफ्तारी की गई। अभी सर क्या कार्रवाई होगी सर इनके ऊपर, किन किन धाराओं के तहत मामला इनके ऊपर? अभी प्रतिबंधात्मक धाराएँ लगेगी उसको गिरफ्तारी। दरअसल 11 फरवरी को प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से कृषि विकास अधिकारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के करीब 868 पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन इस परीक्षा में धांधली का आरोप लग गया। इस परीक्षा में धांधली की शिकायत करने वाले अभ्यर्थियों का आरोप है कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने गलत जवाब को भी सही बता दिया है। इसके अलावा भी परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों ने कुछ सवाल उठाए हैं, जैसे टॉप 10 में आए सभी छात्र ग्वालियर चंबल संभाग से हैं। टॉपर्स ने गलती भी एक जैसी की है, क्योंकि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने जहां गलती की थी, इन टॉपर्स ने उसी गलत विकल्प पर निशान लगाया है। अब परीक्षार्थी मांग कर रहे हैं कि इस मामले की जांच सीबीआई, लोकायुक्त या किसी अन्य विशेषज्ञ से कराई जाए, परीक्षा के रिजल्ट को रोका जाए, सभी टॉपर रहे छात्रों के सोशल मीडिया अकाउंट और कॉल रिकॉर्ड्स की जांच कराई जाए। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।